राकेश सिन्हा जी, क्या अपराध की आतंकवाद से तुलना की जा सकती है? और क्या हिंदुत्व या हिंदू धर्म इतना संकुचित है कि वो आईसिस और बोको हराम के रास्ते पर चल दे? और क्या भारत में कभी चला है? देखिए, अभय दुबे जी काव्यात्मक विश्लेषण कर रहे थे, उसके जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हजारों साल से अपनी विविधता, बहुलता और प्रयोग धर्मिता के कारण हिंदू धर्म का के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। इसको परिभाषाओं के दायरे में न अंग्रेज के विद्वान कर पाए, न मुगल शासन के दौरान कर पाए, न उसके पूर्व हमारे हिंदू संत कर पाए, न हम कर पा रहे। इससे हिंदू धर्म की जो व्याख्या महात्मा गांधी के अनुरूप चलेगा या किसी व्यक्ति के अनुरूप चलेगा, ऐसा मत कहिए। हिंदू धर्म 10,000 साल पुराना है जो अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर हिंदू धर्म की व्याख्या करने नहीं आया हूँ, न सुनने। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ सलमान खुर्शीद ने सकतों का, अभी छोटी सी बात, एक पैराग्राफ की बात नहीं है, दूध का बड़ा बड़े बर्तन में दूध को एक बूंद नींबू उसके चरित्र को बदल देता है। सलमान खुर्शीद ने एक पंक्ति लिखी, एक पैरा लिखा, मैं उसका उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दीपक जी, आप बहुत पढ़ते लिखते हैं, आप पुराने पत्रकार हैं, आपने सलमान खुर्शीद की इसके पहले की पुस्तक को पढ़ा है, निश्चित पढ़ा है, मैंने आपके साथ डिबेट भी किया उस पर, एट होम इन इंडिया। उस पुस्तक में अभय दुबे जी सुन लीजिए क्या लिखा। 1984 के दंगे में, मैं यहां राजीव गांधी का नाम लेने वाला नहीं, 84 के दंगे में जो हजारों निर्दोष सिखों की हत्या हुई थी, उस हत्या को उन्होंने इंटरप्रेट किया हिंदू सिखों ने एक दूसरे का खून बहाया, एकदम एग्जैक्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 47 में हिंदू सिखों ने जो मुसलमानों के साथ पाप किया था सिंस, उसको समान रूप से दोनों को भुगतना पड़ रहा है। यानी 47 के दंगे के लिए, 47 के डिस्प्लेसमेंट के लिए, 47 के विभाजन के लिए, 47 के खून खराबा के लिए हिंदू सिख जिम्मेदार थे, उसका पाप उनको 84 में मिला है। यह है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि लिबरल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल कहना कि अपराध है। जैसे इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाद में उसी हिंदुस्तान के टुकड़े करने का दर्शन देने लगा, वही सलमान खुर्शीद दशकों तक भारत सरकार के उच्च पदों पर रहने के बाद, इस हिंदू मेजोरिटी कंट्री में सभी प्रकार का सम्मान पाने के बाद, जिस ढंग की लेखनी कर रहे हैं, वह लेखनी सिर्फ रेडिकल इस्लाम को एक लेजिटिमेसी देने का उनका एक तरीका है। वो रेडिकल इस्लाम की तुलना जब आरएसएस से करते हैं, जिस आरएसएस के बारे में सामान्य भारत का मुसलमान दिन प्रतिदिन के अनुभव में देखता है, इनकी गतिविधियां वनवासियों में है, सेवा भारती के रूप में है, मजदूर संघ के रूप में है, उस जिसका प्रतिनिधि देश का प्रधानमंत्री है, मोहन भागवत जी का व्याख्यान लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या क्या की, जिसके कारण बहुत से लोगों को नाराजगी हुई कि बिना बिना मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। कहने का तात्पर्य था डाइवर्सिटीज हिंदू एसेंस है। उस आरएसएस की तुलना जब वो करते हैं तो यह कोई गलती नहीं है, यह असहमति असहमति का प्रश्न नहीं है, यह इतिहास के साथ, हिंदू समाज के साथ अपराध किया गया है। सलमान खुर्शीद इतिहास के सामने सभ्यताई अपराधी है, इसे सिविलाइजेशनल क्रिमिनल। सलमान खुर्शीद को मैं किसी तरह से बकसने वाला नहीं हूं कि मैं सहमत हूं असहमत हूं। कोई मेरे घर पर अटैक करे और कहते सहमत असहमत हूं। और दिग्विजय सिंह क्या बोल रहे थे दीपक जी, कि हिंदुओं को ईसाइयों का शासन हुआ, मुगलों का शासन, कोई क्षति नहीं हुई। अरे साहब, हिंदुओं की क्षति नहीं हुई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान किसका हिस्सा था, वो क्षति नहीं मानते हैं? क्या भारत की भूगोल यही था? क्या भारत के हिंदुओं की डेमोग्राफी यही थी? क्या हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े? 3,000 मंदिरों को तोड़ा नहीं गया? हम भले उसके लिए प्रयास नहीं करें, इतिहास को बदलने वाले नहीं। क्या कहते हैं ईसाइयों के समय में डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ? एक घटना बताता हूं, 1911 में गेट सर्कुलर निकला था, जीए गेट सेंसस कमिश्नर थे, उन्होंने 1910 में एक सर्कुलर निकाला जिसमें कहा गया था कि जो लोग, यानी पूरे दलितों को हिंदू समाज से अलग करने की साजिश थी, अमीर अली जो मुस्लिम लीग के लंदन में बैठे हुए नेता थे, उनके दबाव में किया गया था। सुरेंद्रनाथ मुखर्जी के दामाद कर्नल यूएन मुखर्जी ने किताब लिखी हिंदूज आफ्टर द कमिंग सेंसस, उस किताब का इतना दबाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा, इतना बौद्धिक रूप से उच्च श्रेणी किताब थी कि ईसाई प्रशासकों को वापस लेना पड़ा। मैं 100 इंस्टांसेस बता सकता हूं धन परिवर्तन के, किस तरह से ईसाइयत को फैलाया गया। उसके लिए कोई आरएसएस के अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, नागपुर से के किसी दस्तावेज का मत पढ़िए भेजिए, जाइए 1872 से लेकर 1872, 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 के सेंसस रिपोर्ट को पढ़ जाइए, पढ़कर आइए और आत्मालोचन कीजिए कि हिंदू समाज को किस प्रकार की क्षति सहनी पड़ी। ठीक,
ठीक ठीक बोला आपने, और वाकई ये शॉक करता है कि आखिरकार ये तुलना क्यों की गई।